हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ग्राम विकास, ग्राम समाज एवं विकास का होगा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम विकास प्रबंधन। लेखपाल की जो आपकी क्लासेस चल रही हैं उसी की सीरीज में ये भी क्लासेस है। ग्राम समाज एवं विकास की पहले भी दो वीडियोज आ चुकी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। यूपी लेखपाल की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मैथमेटिक्स, हिंदी और ग्राम समाज एवं विकास की वीडियोज मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? ग्रामीण विकास विभाग, सिंचाई विभाग, रेल विभाग या फिर जल विभाग? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कौन उत्तरदायी होगा? ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन नंबर ए क्या होता है करेक्ट। आगे देखिए, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? राधामोहन सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, राजीव प्रताप रूड़ी या फिर जयंत सिन्हा? तो देखो, वर्तमान जो कैबिनेट मिनिस्टर है ग्रामीण विकास विभाग का, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2015 में आया हुआ था, तो उस समय चौधरी बीरेंद्र सिंह थे, तो उस समय के हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होता। लेकिन अभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप नरेंद्र सिंह तोमर पे ही क्लिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, ए और बी दोनों या फिर सिंचाई विभाग? तो देखो, ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसका प्रमुख विभाग है ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, यानी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ पे आइए, ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्न में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ग्रामीण निर्धनता का निवारण, सबके लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण का संरक्षण या फिर ये सभी? तो ये जो आपके 20 सूत्री कार्यक्रम है इसमें ये सभी आते हैं, यानी ग्रामीण निर्धनता का निवारण भी आता है, सबके लिए स्वास्थ्य भी आता है और पर्यावरण संरक्षण भी आता है। 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करें तो घोषणा हुई थी 1975 में, इस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। और जो वर्तमान में आपका 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है वो अप्रैल 2007 से लागू हुआ है, ठीक है, 1 अप्रैल 2007 से लागू हुआ है। तो इसके तहत और क्या चीजें आती हैं? पहले तो आपका ग्रामीण निर्धनता का निवारण हो गया, सबके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार, व्यक्तियों के लिए आवास, गांव के लिए ऊर्जा, एक उत्तरदायी प्रशासन, वानिकी की नई व्यूह रचना और पीने का साफ पानी, ये सारे क्या है, कुछ इसके लक्ष्य है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, निम्न में से कौन कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है? योजना बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट आवंटन या फिर ये सभी? तो देखो, अगर कोई भी कार्य प्रबंधन यानी कि क्या, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होगा? योजना बनाना भी, रिपोर्ट तैयार करना भी, बजट का आवंटन भी करना, यानी ये सभी चीजें शामिल हो जाएंगी कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1999 में की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी जिला ग्रामीण स्तर पर गरीबी को समाप्त करने के लिए, ठीक है। और इसका प्रमुख कार्य क्या क्या होता है कि जो भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी अपशयन कार्यक्रम है उनको प्रभावी रूप से चलाया जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य क्या होता है? योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण करना, मूल्यांकन करना या ये सभी? तो देखो, जिला जो ग्राम विकास योजनाएं हैं उनके संदर्भ में ये जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है इसका कार्य होता है योजनाओं का क्रियान्वयन करना, पर्यवेक्षण करना और मूल्यांकन करना, यानी ये तीनों। तो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट, वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना कहाँ शुरू की थी? मद्रास में, पंजाब में, हैदराबाद में या फिर मुंबई में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मद्रास में। 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर, मद्रास के पास एक सुंदरम ग्राम है उसमें ही आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी, ठीक। इस योजना में जो ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार
युवक कृषक थे उनको प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया था। ठीक है, तो यह योजना जो है वो ग्राम विकास से संबंधित है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी? 1920 में, 1925 में, 1927 में या फिर 1929 में? तो इन्होंने 1920 में स्टार्ट की थी और किसके सहयोग से की थी? तो एल एम हर्ष के सहयोग से की थी। ये भी आप याद रखेंगे, एल एम हर्ष के सहयोग से स्टार्ट की थी। ठीक है, तो शुरू में ये 8 गांव में स्टार्ट करी गई थी और इसके बाद इसे 15 गांव में भी शुरू कर दिया गया था। ठीक है, और ये योजना जो है वो व्यक्ति केंद्रित थी, इसके वजह से ये बहुत ज्यादा दिन तक चल तो नहीं पाई, लेकिन 1920 में स्टार्ट हुई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश और पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड, या गुजरात और मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र और पंजाब। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब जो है वो टॉप पर है। यानी जो बायोमास मिशन है, बायोमास मिशन, इस बायोमास मिशन में टॉप पर कौन से दो राज्य हैं? तो पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब। ठीक है, इनके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ये सारे जो कुछ राज्य हैं ये भी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।